एक काम करिए, इस माला को फोटो खिंचवा दो इधर बीच में। इतना बड़ा माला इसे जगन्नाथ जी रख लो, इसको गुरुदेव ले लो, आप ले लो इसे जगन्नाथ जी। इतने बढ़िया माला मैं तो उतार दूंगा, अभी पट लगा के मैं ले लिया, ठीक है इसको रख लो जगन्नाथ जी में, ठीक है शाम को ले आना। गुरुदेव का फोटो खिंचवाएंगे हम इसमें, आपका फोटो खींचेंगे इसमें रात को। परिजन सहितम कृष्णा जब पड़ जा चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा नितान सब बैठ जा नाम गुरुदेवाय धीमते सममर्तय श्री श्रीमद्भक्ति सरोवा सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नाम विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष नारायण आचार्य श्री श्रीमद्भक्ति नाम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामे श्रीवार्षवाय देवी दयिताय त्रिपाद्वये कृष्ण समन्त विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योजल प्रेमाद श्रीरूपानुग भक्तिदं श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणि श्रीरूपानुग विरुधापतिर्धान्तधन्तहारिणि नम गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भवे पादाम्बुजाय नमः नम भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाम्नि गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय गौरवाविर्भावमुष्टनिर्दिष्टार्थजनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम गुरुचरण पद्म केवल भक्ति
आओ Yeah.
बलगोपति कर्णे ध्यानस्य ग्रहणे दानस्य प्रयाग गंगो दक कल्पवास। इसका मतलब है अगर अगर कोई एक गैया बछड़े को साथ में कोई दान दे देता ना, ये पृथ्वी में जितने बड़े बड़े दान हैं, कहते एक गैया अगर कोई बछड़े को साथ में दान देते हैं, उसको साथ में पृथ्वी का कोई भी दान को तुम बराबर नहीं कर सकते। गोदान की इतने महत्व है क्योंकि गैया को अंदर में ये 33 करोड़ देवता विद्यमान है। जब ब्रह्मा जी ये गैया को सृष्टि किए तब उन्होंने उनका जो एक एक रोम है और एक एक देवता के निवास और 33 करोड़ देवता बैठे हुए, सारे देवता को स्थान दे दिया। लेकिन उसी समय में लक्ष्मी और सरस्वती थी नहीं, इनको पता चला ब्रह्मा जी ऐसे एक प्राणी सृष्टि किया जिसमें 33 करोड़ देवता को दान दिया और सब देवता उसमें निवास है। तो लक्ष्मी सरस्वती भागते भागते ब्रह्मा जी को बोले हम तो वंचित रह गए, हमें तो कोई स्थान नहीं मिला, हमें भी कोई स्थान नहीं। बोले कोई स्थान नहीं, सब स्थान पूरा हो गया है, कोई स्थान हो तो तब तो बैठ गए। बोले नहीं, हमको तो कोई स्थान देना पड़ेगा। बोले केवल दो स्थान बाकी है, एक पेशाब का स्थान और एक है पायखाना का स्थान। बोले हमें वहीं पर स्थान दे दो। इसलिए कहते गैया की मूत्र और उसकी जो गोबर में ये लक्ष्मी की सरस्वती की निवास है। इसलिए देखो अभी साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके गोमूत्र, कहते जो करुणा आई ना, अगर कोई गोमूत्र ग्रहण करता होगा उसको कभी करुणा नहीं पकड़ेगा और इतने रोग की उसमें नष्ट होता है गोमूत्र गोबर। ठाकुर को जब पंचामृत से स्नान कराते हैं गोमूत्र गोबर उसमें देते हैं। और ठाकुर जी को भी जब जब ठाकुर जी को कृष्ण के ऊपर कोई विपत्ति आती थी जैसे अघासुर बकासुर तृणाव्रता आदि, मैया क्या करते थे, गोमूत्र गोबर से कृष्ण का स्नान कराया करते थे, ठाकुर भी उसमें स्नान करते थे। हैं ठाकुर, एक दिन ठाकुर ने सोचा जब जब हमारी ऊपर कोई विपत्ति आ जाए ना मैया ये गोमूत्र गोबर से हमें क्यों स्नान कराते, चलो हम भी दोनों उसको लगाते हैं। कृष्ण गए ऊपर गैया बंधे हुए थे और जितने गोमूत्र गोबर था ना सब ठाकुर जी सारा शरीर में पोत दिए, सारा शरीर में पोत दिए शरीर को। इतने में मैया बोले दोनों दुष्ट गए कहाँ, यहीं पर तो खेल रहे थे। बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ, बोले हम यहाँ पर। मैया बोले वहाँ क्या कर रहे हो, आकर के देखा जितने गोमूत्र गोबर से पूरा शरीर ठाकुर जी, मैया दोनों को कान पकड़ लिया। बोले चिवरे लगता है तुम दोनों की पूर्व जन्म में स्वर थे, ये स्वर किचड़ में लौट पड़ो स्वर खाते ना क्या स्वर थे, कृष्ण सी मिला रहे। तो बोले मैया में तो स्वर था लेकिन तेरे को कैसे पता चला, क्योंकि भगवान ने सत्य युग में बराह अवतार लिया, ये बराह अवतार स्वर का अवतार है। इसलिए यहाँ कहते हैं एक गोदान की इतने महिमा। आप लोग देखना जब कोई व्यक्ति साल साल तक बिस्तर में पड़ा हुआ है, देख लेना प्राण किसी तरह से जा नहीं रहा है, बड़े दुख कष्ट उठा रहे। अब किसी ब्राह्मण को बोलो बोले इनको स्पर्श करा किसी गो दान दे दो, बोल देते ना किसी गैया को दान दे दो, उनका हाथ को छुला करके इनकी जल्दी जल्दी मुक्ति हो जाएगी। मतलब है बड़े से बड़े पाप भी गो दान से मुक्त हो जाते हैं। इतने गैया की दान की महत्व है, इतने गैया दान। जो व्यक्ति बहुत पाप कर्म करके मरता है अब देखना उन्हीं के लिए भी कहते गैया दान, क्योंकि मरने का बाद उसको एक नदी पार करना पड़ता है जो नदी का नाम वैतरणी नदी, क्या नाम है बात करो तो ये दोनों को अलग कर दो, ये दोनों को ना भागवत में आप लोग सुने होंगे। और मरने के बाद एक गरुड़ पुराण सुनते हैं ना, कभी सुने हो गरुड़ पुराण, मरने के बाद वो गरुड़ पुराण सुनते हैं, उसमें सारे चीज वर्णन आती है, ध्यान देकर सुनो समाता है, उसमें सब चीज आती है। कैसे 13 दिन के बाद में ये शुद्धि क्रिया करना है, क्योंकि उसको 13 दिन इसलिए होता है उसको एक नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम वैतरणी नदी। वो वैतरणी नदी किस चीज में है, कहते जिसमें केवल टाटी पेशाब खून पी का नदी होता है, उसको पूरे कोड़े मार मार करके उसको नदी पार कराते हैं, है? इसलिए उसको 13 दिन लगती है, इसलिए 13 दिन बाद में इसलिए शुद्धि क्रिया करते हैं। बोले किसको इस 13 दिन किसको पार करना पड़ता है, बोले उनको जो भजन नहीं करते, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको नहीं।
लेकिन पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करते कि नहीं करते। तो उदाहरण देते हैं, जैसे एक सधवा स्त्री, पता कहीं चलता है सधवा है, ये सिंदूर लगाए हो, मांग भरे हो, मंगलसूत्र पहने हो, हाथ में शंखा पहने हो, उसे पता चलता है सधवा है। कहते उसी तरह भगवान की भक्ति करते हो उसमें क्या लक्षण है, जो ध्यान देना सुनो, उसको शरीर में तीन लक्षण होगा, गले में तो तुलसी की कंठी जरूर पहनी होगी, ललाट में तिलक लगाया होगा और भगवान की माला जप करता होगा। कहते उसका अंदर में ये तीन लक्षण दिखाई पड़ेगा। अगर किसको गले में कंठी और तुलसी है ना, कंठी तुलसी तिलक है, वो कभी बैतरणी नदी कभी वो पार नहीं करेगा। और जिनकी कंठी में गले में कंठी नहीं तिलक नहीं ना, उनको बैतरणी नदी से दुनिया के जितना जो कुछ कर दो उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता। उसको कोड़े मार मार करके उसको पार करवाएंगे। आप भागवत पढ़ करके देख लो। इसलिए अगर ये बैतरणी नदी पार नहीं होना चाहते हो क्या करो, गले में तुलसी की कंठी पहनो, गले में तुलसी कंठी जरूर पहनो और जरूर तिलक लगाओ। हाँ, भगवान की नाम को जप कर। अगर ये तीन चीज होगा ना, ये कभी बैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। कोई कोई कहते हैं ना, अरे भक्ति करने के लिए तिलक कंठी क्या जरूरत है, अंदर अंदर भक्ति नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, तो पति को अंदर अंदर में रख लो ना, बाहर क्यों दिखा रहे हो, पति को क्यों दिखा रहे हो, तिलक क्यों नहीं, मां क्यों भर लेते हो, सिंदूर क्यों लगा लेते हो, शंखा क्यों पहनते हो, गला में मंगलसूत्र क्यों पहनते हो, पति को अंदर में रखो ना, बाहर क्यों दिखा रहे, दुनिया को क्यों दिखा रहे। पति कब से बने, बोलो, शादी से पहले कोई मतलब था अपना, कब तक रहेगी, जब तक शरीर बीच बीच में, अभी तो कलयुग में डाइवोर्स भी हो जाता है। जब इसी के लिए तुमने इतने सारा दुनिया भर लिया है, तब भगवान जो असली पति तुम्हारी जन्म जन्म उसके क्या लक्षण है तुम्हारे शरीर में, भक्ति करते हो क्या लक्षण है तुम्हारी अंदर में जो भक्ति करते हो। इसलिए जब महाराज कहते हैं जरूर ये तीन चीज धारण करनी चाहिए, क्या है, तो ये श्लोक बोले ललाटे तिलकम, ये जम स्वयं कह रहे हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, देखो तिलक लगाए हुए है, आप ठाकुर को देखो, कहीं भगवान कृष्ण का तस्वीर देखो, देखो तिलक लगाए हुए, भगवान राम को देखो, नारायण को देखो, हनुमान जी को देखे हो तिलक लगाए, गणेश जी को देखो, सब तिलक लगाए हुए देखो, भगवान ठाकुर भी तिलक लगाते हैं। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व, तुम लोग हिंदू हैं, जैसे कोई अच्छे काम के लिए कोई जा रहे हैं, तिलक लगा कर भेजते हैं, क्या लगा कर भेजते हैं, तिलक, बोले तिलक क्यों, बोले विजय तिलक क्या नहीं, तिलक लगा कर किसी काम में जाओ तो जरूर तुम्हारी विजय प्राप्ति होगी। इसलिए इस सब चीज को धारण करनी चाहिए। इसलिए देखो इसमें ये कह रहे हैं, गति गोकोटि ग्रहणे खगस्य, मतलब अगर किसने एक करोड़ गैया अगर किसी ने दान कर दिया, एक गैया दान देने का इतना महत्व है, मतलब गोकोटि दाने ग्रहण खगस्य, मतलब करोड़ों गैया अगर कोई दान दे दिया, मतलब प्रयाग गंगो दके कल्पवास। आपको पता होगा माघ महीना में जहाँ पर त्रिवेणी है ना, जहाँ पर प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती कभी गए होंगे, वहाँ पर कल्पवास करते एक महीना तक, वहाँ पर कुटिया बना करके रोज गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में रोज ठाकुर का भजन पूजा भागवत कथा सुनते हैं। कहते कहते कुकोटि कन्या ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंग कल्पवास, अगर करोड़ों करोड़ों किसी ने अगर कल्पवास कोई गंगा किनारे में किया, लेकिन श्री कृष्ण नाम को, एक कृष्ण नाम को साथ में ये जितने सारे पुण्य है ना, तो बराबर नहीं कर सकते। एक कृष्ण नाम में इतने महिमा, इसलिए गोकट कन्या तराहने खगस्य प्रयाग गंगो तक कल्पवास, इसलिए ये सब के सब मिला करके भी एक ठाकुर जी का नाम को साथ में बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए भगवान कृष्ण नाम में इतने महिमा, ठाकुर जी के नाम में बड़ा ताकत है, ठाकुर जी का नाम में, बोले क्यों, कारण क्या, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके भगवान की नाम है। इसलिए सबके सब ताली बजाते हैं, किसी भी सब कीर्तन करना, ठीक है ना, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण
भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे अंदर में चार निष्ठा होनी चाहिए। कितना निष्ठा होनी चाहिए, क्या क्या है? हाँ देखो, पहला जो निष्ठा है, हर घर घर में ठाकुर रहनी चाहिए। इसलिए मीरा कहती है ना, आली मोहे लागे वृंदावन, भजन सुने हमने, बोले घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली मोहे लागे। तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर में तुलसी के वृक्ष होने चाहिए, हैं? घर घर में तुलसी की वृक्ष होनी चाहिए और घर घर में श्री ठाकुर जी की पूजा भी होनी चाहिए। सब घर में एक नहीं ठाकुर जी, ना खुद ठाकुर बन गए, घर घर में ठाकुर जरूर, ठाकुर घर में, हर घर घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी की पूजा हो ना, वो घर नहीं, वही घर ही वृंदावन, वही घर ही भगवान की धाम है। देखो एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे जो जितने अच्छे तरह से ठाकुर को पूजा करते हैं, उदाहरण दिया जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करो, सजाओ और किसी शीशा के सामने खड़े हो जाओ, आप देखना अपना शरीर को जैसे सुंदर करके सजाओगे ना, जो शीशा में जो परछाई, वो परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, वो परछाई अपने आप सज जाती है। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, केवल अपना शरीर को सजाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, आप ठाकुर को जितने अच्छे तरह से सेवा करोगे, उनको श्रृंगार करोगे, ठाकुर को सजाओगे ना, कि तुम भी उतना बढ़िया तरह से सज जाओगे। अपना को जितना सजाने का जरूरत नहीं, सजाने का जरूरत ठाकुर जी को, किसको जरूरत है, ठाकुर जी को सजाने का जरूरत है। इसलिए ठाकुर अगर सज गए तो तुम अपने आप सज जाओगे, ठीक है? इसलिए ठाकुर को अच्छे तरह से, ये मत समझो अरे ठाकुर तो बैठा हुआ थोड़ी कुछ देख रहा है, वो तो पत्थर है, वो थोड़ी कुछ दिखता है, उसको थोड़ी कोई दिख रहा है, बोले नहीं, वो सब बैठ बैठ करके वही घर को देखने वाले वही है, हम तो नौकर है, हम तो नौकर है, वो देखने वाले वही सब कुछ, कितना तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, क्या बोलते हैं, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, इसको कृपा से ही सारे काम हमारी अपने आप चलते जाएगा। इसलिए घर घर में ठाकुर जी की पूजा जरूर घर में होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए सबके सब घर में ठाकुर जी को, ऐसे नहीं दिन में तो अपना शरीर को तीन बार सजाओ, लेकिन ठाकुर जी को जैसे तैसे बैठे हुए एक कपड़ा पहना दिया और 15 दिन में ठाकुर जी एक कपड़ा पहन करके 15 दिन तक बैठे, अपना शरीर को कितना बार सजाते हैं, रोज रोज कपड़ा बदलाते कि नहीं? गर्मी समय तो दो दो तीन तीन बार हम कपड़ा बदला देते हैं। इसलिए ठाकुर जी को साक्षात ठाकुर मान करके ठाकुर को पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में बताया आत्मवत, आत्मवत मतलब जैसे अभी ठंडी का समय है, अब लोग गर्मी कपड़ा पहने ना, गर्मी कपड़ा तो पहने ना, क्या ठाकुर को क्या गर्मी नहीं लगता है, ठंडी नहीं लगती है, ठाकुर जी को भी ठंडी लगती है। इसलिए क्या करो, ठाकुर जी को भी इसी समय में जैसे स्वेटर बनाते ना ऊन लून की, बड़े सुंदर बना करके ठाकुर को भी गर्म पोशाक ठाकुर को पहनानी चाहिए। और जैसे अभी ठंडा समय आ गया, पूरा सबर जब नहाते हो, थोड़ा गर्म पानी में नहाते कि नहीं, ना पूरा ठंडी पानी में स्नान करते, गर्म पानी में स्नान करते है ना, ठाकुर जी को भी खुशी, गर्म पानी से ठाकुर को भी स्नान करनी चाहिए, ठंडा पानी में ठाकुर को स्नान नहीं करानी चाहिए। इसलिए दिया है आत्मबल, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम सोते हैं, जैसे हम पहनते हैं, ठाकुर जी को भी ठीक वैसे ही ठाकुर जी को भी श्रृंगार करो, ठीक है ना? इसलिए जो पहला निष्ठा है ठाकुर जी को अच्छे तरह से ठाकुर जी को, लेकिन कभी कभी घर में डग रन बना देते, लेकिन गड रन नहीं बनाते, समझ रहे ना, कभी कुत्ते के लिए तो घर बना देते हैं घर में, हैं? और कुत्ते को लेकर के हम कभी कभी गाड़ी में घूमते फिरते हैं, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के लिए, हाँ ठाकुर जी का जो घर होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं घर का जो रिजेक्ट स्थान है, हैं? जो बेकार स्थान, वहीं पर ठाकुर को बैठा देते, और अपना लिए देखो बड़ा रूम बेडरूम बनाया, बहुत बड़ा, और ठाकुर जी के लिए छोटी सी स्थान में, सबसे जो घटिया स्थान है ना, जो काम को नहीं आएगा, कभी कभी हम ठाकुर को वहीं पर रख देते हैं, ऐसे नहीं रहनी चाहिए। ठाकुर जी के लिए सबसे बढ़िया स्थान कहाँ होना चाहिए, अपना जब घर बना, पहले ये मत देखो मैं किस घर में रहूँगा, ये चीज़ को मत देखा लो, पहले देखो ठाकुर जी के लिए कौन सा बढ़िया स्थान घर में होगा, जो बढ़िया स्थान में श्री ठाकुर जी को बैठाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा करो, उसको जितने तुम सेवा करोगे, जितने अच्छी तरह से सेवा करोगे ना,
लेकिन अपने आप तुम खिल जाओगे, अपने आप खिल जाओगे हैं, क्योंकि जो पैसा जो लक्ष्मी है वो ठाकुर जी की पैसा, लक्ष्मी किसके, नारायण की लक्ष्मी, अगर उनकी सेवा में अगर ये लक्ष्मी लग रही है पैसा, समझो फिर घर में शांति से घर में बनी रही है। अगर तुम खुद ऐसी घर में सो रहे हो ठाकुर जी गर्म गर्म खिला दिया, स्वयं ऐसी घर में सो रहे हो ठाकुर जी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। पहले ठाकुर के लिए ऐसे है कि नहीं देखो, अपना लिए नहीं देखो, किसके लिए देखो, ठाकुर जी के लिए देखो, क्योंकि ठाकुर खुश रहेगी ना तब तक तुम खुश रहोगे ना। पैसा को कहते लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी किसी की, तुम्हारी ना नारायण की, बोलो नारायण की ना, पहले किसकी सेवा होनी चाहिए, नारायण की सेवा होनी चाहिए, उसको बाद में लक्ष्मी जिसकी, उसको तो सेवा नहीं कर रहे हो, खुद शरीर को 10 बार रगड़ रगड़ कर स्नान करते हो, क्रीम लगाते हो, तेल लगाते हो, साबुन लगाते हो, लेकिन ठाकुर जी को कभी कुछ कुछ नहीं करते, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले ठाकुर को ध्यान किसको दो, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर के लिए कपड़ा है कि नहीं, ठाकुर के लिए खाने है कि नहीं, कल सवेरे ठाकुर को क्या भोग लगेगा, ठाकुर जी के लिए क्या चीज, सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान दो। अगर उनको ध्यान दोगे वो भी हमारी, ठाकुर भी हमारे ध्यान देंगे, ठीक है। इसलिए ठाकुर जी को एक स्टैचू मत मानो, पैसे बैठा दिया ठाकुर को, और घर में जो खाना बनता है सबसे पहले किसको भोग लगे, ठाकुर जी को, ऐसे नहीं खुद बनाया प्याज लहसुन देकर चट कर दिया और ठाकुर वैसे बैठे, भैया घर का मालिक में बैठा हुआ है, घर का मालिक में बैठा हुआ हूँ, खुद तो बढ़िया चटाचट प्याज लहसुन डालकर खा रहे और मेरे को थोड़ी बातासा नहीं तो दूध लगा दिया मैंने, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करो, ये प्याज लहसुन को घर से निकाल देनी चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाते ना घर में, कि खाते हो, खाते हो नहीं, इसलिए घर में जो ठाकुर को पसंद नहीं, ठाकुर को जो भोग नहीं लगता है, वो चीज को हम घर से निकाल देनी चाहिए। जो ठाकुर जी को प्यारा है वो चीज को हमें भोजन करनी चाहिए और उसको ठाकुर को भोग लगा कर खानी। इसलिए जो पहला निष्ठा जो बताया ना, ये कौन सा निष्ठा है, बोले ठाकुर प्रभु जी आप इधर आ जाने का अंदर में आ जाए, कहते जो पहला जो निष्ठा हमारी क्या, कौन सा निष्ठा है, ठाकुर सेवा की निष्ठा हमारी सबसे पहले पहला निष्ठा है। कहते दूसरी जो निष्ठा होनी चाहिए हमारे अंदर में है, कहते जो तुलसी निष्ठा, कौन सा निष्ठा, तुलसी, रोज सवेरे स्नान करके तुलसी को पानी दिया करो, तुलसी की परिक्रमा करो, क्योंकि भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, बोले तुलसी में, हम कहते हैं ना चलो वृंदावन चलो, मन चल रहे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे है, इसलिए वृंदावन क्यों, वृंदावन मतलब वृंदावन में बांके बिहारी है, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, कहते ना बांके बिहारी, कहते वृंदावन में क्यों, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब जहाँ तुलसी का बन वहीं पर श्री ठाकुर जी, इसलिए घर में तुलसी की सेवा करनी चाहिए, हर घर घर में तुलसी की पौधा घर घर में होनी चाहिए, ठीक है ना। सब घर में तुलसी है कि नहीं, सब घर में है तुलसी घर, इसलिए जिसको घर में तुलसी जितने बढ़िया होगा ना उसका भक्ति उतना भी बढ़िया बनेगा, उसका भक्ति भी उतना बढ़िया बनेगा। इसलिए दूसरा निष्ठा ये तुलसी निष्ठा, तुलसी की पूजा सेवा करनी चाहिए और गले में तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। कंठी है कि नहीं, किसको गले में कंठी है, है गले में तुलसी कंठी, किसको किसको कंठी कंठी है गले में, नहीं इसलिए गले में तुलसी की कंठी पहननी। देखो ये जब महाराज कह रहे हैं ना, जो भक्ति नहीं करता है पकड़े पकड़े ले आना, बोले पता कैसे चलेगा, देखो ध्यान देकर देखो, जब कहते दो तरह के कुत्ते हैं, बोले कैसे, बोले कि पालतू एक फालतू, जो पालतू है ना उसके गले में पट्टा बंधा रहता है, देखना वो कुत्ते कोई कुछ बोलते नहीं, और जिस गले में पट्टे नहीं होता है ना वो फालतू कुत्ते हैं, हाँ उसको कोई मारे पीटे कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्यों फालतू होता है ना वो, रोड में घूमने वाले कुत्ते हैं, इसलिए गले में अगर कंठी हो तो हम बांके बिहार का पालतू, किसके पालतू है, अगर गले में कंठी नहीं तो हम फिर क्या बन गए, फालतू, अब बताओ पालतू बन गए ना फालतू बन गए, फालतू, सब फालतू बनना नहीं, क्या बनना है, बांके बिहार की फालतू बनते, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जम स्वयं कह रहे हैं, ये जम स्वयं कह रहे हैं, हैं ये भागवत में जम स्वयं कहते हैं, गले में कंठी नहीं तो सब फालतू कुत्ते रोड, अब देखना गली में ज्यादा कुत्ते हो जाए ना, सरकार से बोल देते हैं भैया ज्यादा कुत्ते हो गए, दूसरों काटते हैं ज्यादा, क्या होता है फिर उसको पकड़ने के लिए आते हैं, शूट करते थे गोली, अगर भूल से किसी पालतू कुत्ते में अगर बंदूक लग गया ना उसको कैसे हो जाए, देखना अपना पालतू कुत्ते को कोई कुछ बोलते हैं जानते हैं भैया इसका, अगर पालतू कुत्ते को कोई कुछ बोलते मालिक छोड़ता है, बोले मेरे कुत्ते को कैसे बोलते,
जो साधारण कुत्ते को उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर गले में तुलसी कटी हुआ तो हम किसके कुत्ते हैं? बांके बिहार के कुत्ते हो, सबका कुत्ते नहीं। इसलिए बांके बिहार के बनना, कुत्ता बनना तो राम की कुत्ते बनो। हाँ, किसके कुत्ते बनेंगे? भगवान ही कुत्ते बने, इसलिए गले में सब तुलसी कटी पाएंगे, ठीक है ना? गले में अब वृंदावन गए हो, कौन कौन गए वहाँ देखना, वो अंग्रेजी मंदिर में जाना, इस्कॉन मंदिर में, हम तो हिंदू है, उनको मंदिर में जाना। अंग्रेजी लोग गले में कंठी तिलक माला है, गले में कंठी माला तिलक, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कितने अमेरिका को हम फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? अमेरिका को फॉलो करो है, उनका कैसे रहन सहन खान पान उनकी, उसको अनुकरण कर। लेकिन उन लोगों ने उनका संस्कृति से विरक्ति होकर के हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति सनातना संस्कृति वो ग्रहण कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? अपना ऋषि मुनियों की शिक्षा को पीछे रख करके, हाँ, उनने जो झूठन खाकर फेंक दिया और उसको उठा उठा कर खाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अपना संस्कृति को हमें अपना संस्कृति को अपने आना चाहिए, ठीक है ना? कहते दूसरा जो निष्ठा है, कौन सा निष्ठा है? ये तुलसी निष्ठा। बोले जो तीसरी जो निष्ठा है, एकादशी निष्ठा। कौन सा निष्ठा? एकादशी। हमारी जरूर एकादशी व्रत रखनी चाहिए। रखते कि नहीं व्रत सबके साथ? तुम लोग रखते हो? माता रखते हो? और रखती कि नहीं एकादशी? सबके साथ एकादशी व्रत रखना, ठीक है? और तुम्हारे पास एकादशी व्रत रखती कि नहीं? रखती हो ना? हाँ, तुम रखती हो? नहीं, एकादशी पृथ्वी का जितने व्रत है, कहते एक तराजू ले लो, एक तराजू का तरफ में पृथ्वी का जितने सारे व्रत को एक तरफ में रख लो, और दूसरे तरफ में केवल एकादशी व्रत रखोगे तो उसका पल्ला भारी पड़ेगा। क्योंकि जो एकादशी व्रत है वो भगवान विष्णु कृष्ण नारायण का व्रत है, और जो दूसरे दूसरे व्रत रखते हैं ना, दूसरे दूसरे देवादेवी का व्रत है। लेकिन भले ही जिसका व्रत क्यों नहीं रखे, अंतिम समय में तो यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। इसलिए भगवान की जो व्रत है, कहते ना, जा पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में ठाकुर को आशीर्वाद हो जाते हैं, 33 करोड़ देवता उसको ऊपर में अपने आप कृपा कर लेते हैं। इसलिए एकादशी व्रत जरूर रखनी चाहिए। एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं। जो एकादशी व्रत के दिन अन्न खाएगा, शास्त्र कहता है, दूसरे दूसरे पाप से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं उनका कोई भी मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति उनकी नहीं, उनको दंड भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए एकादशी व्रत को जरूर रखा कर। इसलिए तीसरा निष्ठा है, कौन सा निष्ठा? एकादशी निष्ठा। कहते चौथा निष्ठा क्या है? बोले भगवान का नाम निष्ठा, ठाकुर जी की नाम निष्ठा है। इसलिए जरूर भगवान के नाम जप हमें करनी चाहिए। देखना, आप लोग स्कूल पढ़े हो, स्कूल गए हो, देखना जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, जो क्लास फाइव में आता है, क्या कहते भैया, अगर क्लास फाइव को अगर बढ़िया से पार हो गया ना, थोड़ी काम बन गया। लेकिन जब क्लास फाइव को पढ़ लेता है ना, फिर टेंथ आती है, बोले भैया ये टेंथ परीक्षा अगर सही अगर मार्क आ गया, बस तुम्हारी काम बन जाएगी, टेंथ बढ़िया से पास कर गया। बोले सारा दुनिया टेंथ पास करते हैं। बोले इन लोग 12 आया, जब 12 आता है, कहते भैया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको बाद में फिर कौन सा सब्जेक्ट कर लोगे, फिर स्थिर होता है। अगर बढ़िया नंबर लाओगे ना, फिर तो बढ़िया कॉलेज में जाओगे, फिर बढ़िया सब्जेक्ट लोगे। 12 अगर पास कर गया ना, बोले भैया सारा दुनिया पास करते, कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ा, बोले इंजीनियर अगर सीए कर रहे हो, बस किसी तरह से बन जाओ, अभी सीए नहीं तो इंजीनियर बन गया कष्ट से। जब बन गया फिर कहते हैं सारा दुनिया सीए करते हैं, इंजीनियर करते हैं, अभी तो नौकरी ढूंढो, अभी तो नौकरी ढूंढो, अभी नौकरी ढूंढा, जब नौकरी ढूंढ लिया, अभी बोलते बोले सारा दुनिया नौकरी करते, तुम कौन सा नौकरी, शादी करें, अरे शादी कर तो करो, किस लिए इतना लिखाई पढ़ाई, शादी के लिए थी क्या? फिर शादी करो, फिर लड़की ढूंढते हैं, शादी हो गई, जब शादी हो गई बोले दुनिया शादी करते, बच्चे तो जन्म दो, बच्चे तो जन्म दो, दुनिया तो शादी करते, अभी बच्चे जन्म दे दिया, बोले सारा दुनिया बच्चे जब जन्म लेता है, तू कौन सा बड़ी भारी काम किया, उसको तो लिखा पढ़ा सीखा, फिर उसको तो पढ़ाई लिखाई करो, अभी किसी तरह से बच्चे को लिखाई पढ़ाई कर दिया, अरे उनको तुमसे शादी कराओ, अभी सारा दुनिया शादी, बोले नाती पोती तो होनी चाहिए, हाँ नाती पोती तो होनी चाहिए शादी कर। आप देखना जब ये सब कुछ कर लेता है ना, ध्यान देकर सुनो काम की बात है, जब तुमने सारे काम कर लिए, जब ये शरीर छूट जाती है,
जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है। यही बोलते हैं ना बेटा, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। देखो चीज अच्छे तरह ध्यान देकर सुनो, ये काम की बात है। जब अंतिम समय में आते हैं, बोले तुमने जो सीए की, तुमने जो शादी किया, जो बच्चे जन्म दिया, किसको अमेरिका, किसको लंदन, फ्रांस भेजा, ये सब झूठ है, ये सब झूठे में तुमने जीवन बिताया। यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही। पत्नी जाएगा तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, परिवार जाएगा तो शमशान तक जाएगी, उसको आगे तेरे साथ में कोई भी काम में आने वाले नहीं। जिस अंतिम समय में कहते हैं, जितने तुमने राम का नाम और कृष्ण का नाम लिया ना, केवल तेरे साथ में वही जा रहे हैं। और जो अगड़ों बगड़ों में जितना दुनिया में इकट्ठे किए हो, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुमने जो इतने किया मिला क्या जीवन में, पायो जीवन में राम रतन धन पायो, जितने राम नाम रूपी धन को मैंने इकट्ठा किया है ना, यही पायो और जगत में सब ही खोवाए, जगत में सब को जो खोए। बोले ये धन कैसे, बोले चोर नहीं ले बे, लुटे नहीं जावे, चोर अगर किसी को बोले था माला जब बोले पति हमारे पति भजन कर लेती, नहीं तो हमारे पत्नी कर लेती, बोले बोले पत्नी जब खाती तुम फिर क्यों खाते हो, पत्नी का भजन करती, बोले वो कर लेती है ना, बोले तुम अलग खाता कि नहीं, बोले खाते हैं, बोले क्यों तुम फिर क्यों खाते हो जो वो करती हैं, पर तुम्हारा कैसे हो जाएगा, नहीं। अगर ये धन अगर पति कमाएगा ना, पत्नी नहीं ले सकती, पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकते, जिनको बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते। जो ये धन का मालिक बनेगा ना, जो धन को जो कमाएगा वही केवल ये धन का मालिक बनेगा, इसका मालिक और कोई नहीं बन सकते। और अंतिम समय में वही धन है तुम्हारे साथ में, पूरा के पूरा वही धन तुम्हारी अंतिम समय तक वही धन जाएगा। इसलिए जो कबीरा कहती हैं, बोले कबीरा सब जगह निर्धना धनवंत जान, ओके कहते हैं जगत में सब निर्धन है, बोले धनवंत कौन है, बोले धनवंत वो है जो राम नाम रूपी धन को जिसने कमाया है, असली धनवंत वही है। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के आज
ले लो ले कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली कर जिन लोगों ने धान को लूटे ना सब माला माल हो गए बड़े बड़े पैसा वाला बने गए बोले कौन बोले हनुमान लाल तुलसीदास मीरा नरसिंह भक्त देखो दुनिया में जिनकी नाम हो रहे हैं दुनिया में जिनकी इसलिए अगर कोई अगर जगत में बड़ा बनना चाहते हैं ना बड़ा बनना चाहता हूँ क्या बन करके बड़े बन जाए भगवान के भक्त बन करके बड़ा बने हीरो हीरोइन नहीं बन करके अभी बच्चों का जो बड़ा इच्छा है हम बॉलीवुड में जाएंगे हीरो हीरोइन बनेंगे इनका बड़ी इच्छा अभी जो नए जवान है ना सब बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे भैया कितने हीरो हीरोइन सब 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे उनका नाम कहाँ अभी दुनिया में लेकिन हनुमान का नाम है ना जगत सारा दुनिया में अभी इसकी पूजा हो रही है अगर बड़ा बनना है ना भगवान की भक्त बन करके बड़ा बन जाओ क्या बन करके ठाकुर जी के भक्त बन करके बड़ा बन जाओ जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम देखो जगत में बहुत सारी स्त्री है कि नहीं लेकिन हम और कोई स्त्री का नाम लेते हैं दुनिया में लेकिन मीरा का नाम लेते हैं कि नहीं मीरा का नाम क्यों उसका नाम क्यों लेते हो तुम्हारी मैया 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 का नाम तो दुनिया ले रही थी हमारी मैया की मैया की मैया की नाम दुनिया कोई ले रहा है क्या क्यों नहीं ले रहे ये मीरा का नाम क्यों ले रहे कारण है मीरा ने मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई इसने भगवान की भक्ति किया भजन करने का ना तो जगत में ये अमर हो गई लेकिन हमारे मैया मैया क्यों नहीं पूछ रहे वो खाए पिए जानवर जैसे मर गए इसलिए उनको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहे इसलिए मीरा को पूछ रहे क्यों कृष्ण भक्त थी कृष्ण की भक्त थी इसलिए तो दुनिया पूछ रहे हैं उसको इसलिए अगर चाहते हो जगत में हमारी नाम हो जगत में जैसे राष्ट्रपति जैसे मोदी मोदी दुनिया मोदी मोदी कर रहा है अगली इलेक्शन अगर नहीं आएगा तो कोई मोदी मोदी करेगा पहले मनमोहन कर रहे थे अभी मनमोहन का कोई पूछ रहा है दुनिया कोई नहीं पूछ रहे कभी जगत से बड़े पद जिनका है जगत में दो दिन बाद कोई इनको पूछने वाले नहीं रहेंगे लेकिन अगर तुम बड़े बनना चाहते हो भगवान के भक्त बनकर बड़े दिखा दो सारा दुनिया तुमको पूजा करेगी अगर जगत में बड़ा बनना चाहते हो क्या बनकर बड़े बनो भगवान के भक्त बनकर के बड़े बन जाओ इसलिए मीरा कहती हैं भैया भगवान का नाम रूप धन का लूटो को ये धन को जो लूट लिया ना जगत में बड़े बड़े सब बड़े बड़े सबके सब सेठ सेठानी बन गए लेकिन माया के जो बने पुजारी केवल दुनिया की पैसा को कमाते 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 जो बन गया मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसार जाओगे अब देखना जब आते हैं ना हाथ मुट्ठी करके ना बच्चे बोले क्यों अपना कर्म का फल लेकर के आता है लेकिन जब जाता है ना हाथ खोल कर सिकंदर का नाम सुने हो उसने अंतिम बोले मेरे तीन प्रयास पूरी कर देना जितना धन दौलत लुटाया उसका रास्ता बिखार देना और मेरे दोनों हाथ कैसे कर देना मतलब मैं जाते समय कुछ भी लेकर के नहीं जा रहा सब यही छोड़ कर मैं जा रहा इसलिए अगर साथ में जाएगा तो जितने प्रभु का नाम धन लुटोगे ये धन ही तुम्हारी अंतिम समय में सारे को सारे काम आएगी फिर ऊपर जाकर काफी बोलोगे ना ये माला ही माल इसलिए कबीर कहती हैं जगत में मरने के लिए सारा दुनिया डरते हैं लेकिन कबीर कहते हैं मेरा मन तो खुश हो रहा है बोले क्यों दुनिया डरते हैं मरने के लिए तो कहीं खुश हो रहे हैं तो कबीर क्या कहते हैं बोले कारण है मैं जिंदगी भर प्रभु का नाम रूपी धन को मैंने कमाया है क्या दूसरे लोग क्यों करते हैं बोले जानते भजन भजन कुछ किया नहीं मरते समय डंडा मार नहीं जाएगी नर्क में भोग रहा है इसलिए सबके सब दुखी होते हैं कारण हर जन्म का हमारा जो एक्सपीरियंस है ना जो अनुभूति जन्म जन्मांतर का है अंदर में बैठा हुआ मरते समय कितने कष्ट होता है कैसे जब दुख पिटाई करते हैं इसलिए ये अनुभूति अंदर में जन्म जन्मांतर का है इसलिए मरने के लिए सब डरते हैं नहीं भैया हम मरना नहीं चाहते मरना नहीं क्यों जानते डंडा पड़ेगा लेकिन कबीर कहे थे मैं तो बड़ा खुश हो जाओ क्यों जिंदगी भर राम का नाम धन मैंने लूटा है जिंदगी भर प्रभु का नाम लूटे है मेरे तो माला ही माले है मेरे को तो स्वागत हो ही समझ रहे हो इसलिए क्या कह रहे ना भगवान की नाम धन को लूटो हरि नाम कर भगवान की माला जप कर भजन कर ठीक है सवेरे नहा धो करके हमारे बड़े गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़कर भजन कर 1000 काम छोड़कर के अपना काम धंधा कर कहते करोड़ों काम छोड़कर भजन कर भगवान की भजन कर क्यों यही धन इसलिए अंतिम समय में ये धन तुम्हारी साथ यही धन ही साथ में जाएगी ठीक है ना इसलिए क्या करो भगवान की सबके सब हरि नाम करो सवेरे नहा धो करके थोड़े समय ठाकुर को दो ठाकुर का नाम जप करो थोड़ा गीता रामायण पढ़ो और बच्चों को अंदर में भी ये संस्कार डालो क्या करो बच्चों के अंदर में भी ये संस्कार बच्चों के अंदर में डालो बोलो अपना बच्चों को सवेरे जैसे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ना घर में नियम बनाओ जब तक तो बेटा एक माला नहीं करेगा उसको खाना हम नहीं देंगे ये घर में नियम बनाते
एक माला करो। बोले बेटा एक नाम माला करके जाओ पढ़ाई करने के लिए, एक माला जब करो पढ़ाई करने के लिए जाओ, क्योंकि भगवान के नाम करके जाएगा पढ़ाई भी अच्छा होगा, मन उसको एकाग्रता रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगी। देखना जिस बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको बोले एक माला करना, मन अपने आप लग जाएगा। अब खुद देख लेना है, इसलिए बच्चे को पर अच्छे संस्कार डालो, ठीक है ना। घर में क्या नियम बनाओ, लेकिन बच्चा कब कर, तू जब करेगा ना तो बच्चे, पहला गुरु तो पिता माता है, पिता माता पहला गुरु है ना, इससे तो सीखेंगे बच्चे। अगर ये खुद नहीं करके दिन भर स्मार्ट फोन लेकर पड़े हुए हो, दिन भर टीवी देख रहे हो, उल्टा पुल्टा पिक्चर देख रहे हो, बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे तो यही सीखेगा ना। इसलिए क्या करो, पहले गुरु पिता माता है, सबसे पहले संस्कार पिता माता से पढ़ता है, पहले संस्कार अपने माँ से पढ़ती है, बाद में पिता की पढ़ती है। क्यों, बच्चा अक्सर करके माँ की गोद में बच्चा रहता है, ठीक है ना। पहले क्या करो, भगवान की सवेरे खुद माला करो, बच्चे को भी बोले एक माला जप करके, अपने स्कूल में एक माला जप करके। आप बोलोगे नहीं बच्चा बात नहीं सुनते हैं, हम बोलते हैं ना बच्चा क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, बात नहीं सुनता, हम बोलते हैं ना बच्चा बात नहीं सुनते, लेकिन उसको जोर जबरदस्ती स्कूल भेज रहे कि नहीं होता। और वही बच्चा जब ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो जाता ना, कहते तुम गमार, तू क्या जानते हो, हमने PhD MA किया, तू क्या जानते हो, घर में बैठे बैठे इतने पढ़ा लिखा देते हैं ना, माँ को गाली देती है, लेकिन उसको जोर जबरदस्ती। बच्चा कहाँ पर बिगड़ता है बताओ, बच्चा कहाँ बिगड़ता है, अपना घर बिगड़ता है ना, कॉलेज में जाकर बिगड़ता है, बोलो घर भी बिगड़ता है ना, कॉलेज में जाकर बिगड़ता है, कॉलेज में जाके जहाँ बिगड़ता है तो वहाँ आपके लिए तो बोलते हैं भाई वैसे धक्का मार के जा, वहीं जा बिगड़े। लेकिन इसलिए इसलिए घर में क्या करो, पहले क्या बोलते हो राहुल प्रभु, पहले घर में बिगड़ा, इसलिए हरिनाम करो। और बच्चे को भी बोले एक एक माला बच्चे को जप करने के लिए, पहले खुद तो करो बैठ कर, ठीक है, खुद करो पहले, उसके बाद में बच्चे देख करके तुमसे अपने आप बच्चा फिर देख करके सीखेगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। प्रभु जी तुमका तो कुछ अरे बस बैठ गए, तुम लोग दर्शन करेंगे ना, वैष्णव दर्शन, हमारे घर में विदेशी लोग आए हैं, एक विदेश को पकड़ कर, विदेशी को पकड़ कर, विदेशी नहीं है ये, अमेरिका के रहने वाले, जय इधर आ गए ना बचपन में, इसने इधर आकर के धीरे धीरे उसने हिंदी सीख गया, नहीं सच में सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसने हिंदी रहते रहते सीख गया है। खड़े हो जाओ माइक पर, रशिया श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आ देखो श्री गुरुदेव की मुखारविंद से हमने अभी श्रवण किया, किस प्रकार अगर अपना जीवन सार्थक करना है, सुख में रहना है, तो भगवत नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। भागवतम में एक वर्णन आती कथा, वहां पर एक दत्तात्रेय मुनि थे, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए, 24 गुरु में से उनका एक गुरु उन्होंने वैश्य को भी गुरु बनाया। एक वैश्य थी जिसका नाम था पिंगला, वो वैश्य क्या करती थी, अपने घर के बाहर आकर शाम होते ही बड़े सुंदर सज धज के अपने घर के बाहर आके बैठ जाती, और जैसे ही सामने से कोई पुरुष आता उस पुरुष को देखकर उसके प्रति उससे आशा करके बैठ जाती कि अभी ये आएगा, ये मेरा भोग करेगा और इससे मुझे धन प्राप्त होगा और उस धन से मैं सुखी हो जाऊंगी। जो कोई पहला पुरुष आता उसको देखकर वो आशा करके बैठती कि ये मेरे से हाथ में बात करेगा, लेकिन वो फिर वापस चाकिस में निकल जाता है। फिर कोई पुरुष आता उसको देखकर सोच यही आशा करती कि उसको भोग करेगा, उसको पैसा देगा, लेकिन उस रात क्या हुआ, सारे पुरुष आए और उसके सामने से इस तरह से निकल गए, कोई उसको मिला नहीं। दिन के अंत में उसने ये सोचा कि बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर विचार करने लगी कि मेरे इस दुख का कारण क्या है, मैं यहाँ आशा लगाकर बैठी थी
कि कोई पुरुष आएगा, मेरा भोग करेगा, मुझे धन देगा, तब जाकर मैं सुखी हो जाऊंगी। ये आशा ही परमम दुखम निराशायम सुखम परम। क्या बता रहे हैं कि ये आशा जो है ये ही परम दुख का कारण है। किसी से हमने आशा करी वो ही हम कारण क्या बन जाता है, दुख बन जाता है। संसार में भी देखो, हम किसी से आशा करते हैं भैया बच्चे हमारी सेवा करेंगे, बच्चे अगर सेवा नहीं करते माता पिता को दुख होता है, माता पिता बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरह से जो भी है संसार में भी यही होता है, क्या आशा ही मूल दुख का कारण बनती है। जब द्रौपदी जब उत्तरा उनके घर में बहू बन के आई है, द्रौपदी भी अपनी बहू को यही बात बताते हुए कह रही है क्या कि देखो जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तो मैं एक बड़ी राज की बात में बताती हूँ, जब मेरा चीरहरण हो रहा था दुशासन मुझे खसीटते हुए, मेरे बाल खसीटते हुए और राजसभा में लेकर आ जा रहा था और मुझे इन सभी कौरवों ने मिलकर विवस्त्र करने की चेष्टा करी। वहां पर मेरे 5-5 पति थे। मैं सोच रही थी कोई इनमें से कोई तो मेरी रक्षा करेगा, लेकिन किसी ने मेरी रक्षा नहीं करी। वहां पर गुरु द्रोणाचार्य भी कृपाचार्य भी थे, वहां पर पितामह भीष्म भी थे। मैं सभी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि इन सब में से कोई तो ऐसा होगा जो मेरी रक्षा करेगा, लेकिन किसी ने मेरी रक्षा नहीं करी। मैंने सोचा मैं खुद भी तो शत्राणी हूँ, मैंने स्वयं अपने बल से साड़ी को दांतों में पीस कर और खुद की रक्षा करने की चेष्टा करी, लेकिन मैं भी विफल हो गई। जब मैंने दोनों हाथ उठाकर हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, जब मैंने कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया और आकर वहां पर मुझे वस्त्र प्रदान किया। वहां पर 10,000 बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन मेरी 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। तो इसलिए अगर आशा करनी हो तो अगर एकमात्र किससे करना, कृष्ण से करना। हम देखो इस संसार में भी क्या करते हैं, सबसे आशा रखते हैं, जो प्राय हमारी चेष्टाएं किस लिए होती है, सब किसी को खुश करने के लिए। लेकिन अब तक गुरुदेव बताते हैं ना, कोई हमसे खुश हो पाया है कभी भी नहीं। किसी को भी कितना भी कर लो कोई भी हमसे खुश नहीं होता। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, एक बात भर भगवान के हाथ में कट गया था तो द्रौपदी ने उस पे थोड़ा पट्टी लगा दी। भगवान उससे इतने द्रवीभूत हो गए, भगवान सोचने लगे कब मैं उनके ऋण से उऋण हूं। भगवान ने स्वयं यहाँ पर आकर वस्त्र प्रदान किए। इसीलिए क्या करो, थोड़ा हमारा समय जो है उसको किस लिए देना चाहिए, परमार्थ में, भगवान के लिए। एकमात्र भगवान से आशा करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करने मात्र से ही हम सुखी हो जाएंगे। बताया ना, आशा ही परम दुखम, किससे आशा नहीं रखो निराशा है परम सुखम। कि अगर किसी से आशा नहीं रखोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, एकमात्र भगवान से ही आशा रखो, एकमात्र भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करने मात्र से ही हम सुखी हो सकते हैं। और भगवान का भजन करने के लिए सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या बताया, कलयुग में क्या बताया, कलयुग केवल सुमेरे सुमेरे नर। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में एकमात्र बस नाम कर लो, भगवान का नाम करने से ही हम इस भव सागर को अनायास ही पार हो जाएंगे। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन किसी अरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। राहुल प्रभु जी के पिता की जय। क्या नाम आपकी? शिव कुमार। कौन सा नाम? शिव कुमार। शिव कुमार बाबा भगवान भोले बाबा की जय। और मैया का नाम? राज दुलारी। बाबा घर में राजा रानी यहीं पर लेते सब राजा रानी शिव सब यहीं पर सब जन्म हो गए, राधा रमन सब भगवान सारे यहीं पर। देखो इधर सुना, इसलिए आज हमारे बहुत अच्छा दिन है। हरे कृष्णा। देखो हमारे शिव प्रभु जी, क्या नाम? शिव कुमार जी और राज दुलारी दीदी, राहुल महाराज, राधा रमन प्रभु, उन्होंने आज अपना घर में संतों को बुलाए, घर में हरि कथा हरि नाम हो रहा है। इसलिए भागवत में कहते हैं, हाँ भागवत में बताए, जिस घर में भक्त लोग आ जाए, घर में ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा पाठ हो ना, वो घर घर नहीं भगवान का धाम हो गया। क्या हो गया? ठाकुर जी की धाम। हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि न गृह भजन देखे गृह पे गोलो भगवान, जिस दिन में घर में भजन पूजा पाठ हो वो घर नहीं साक्षात गोलो का वृंदावन, ठाकुर जी का गोलो का वृंदावन हो जाता है। इसलिए घर में कीर्तन होने पर घर का जितने पाप है, हैं कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी, कीर्तन से घर का सारे पाप खत्म हो जाते हैं।
अगर घर में कोई अपवित्रता, कोई भूत पिशाच उल्टा पुलटा हो ना, सब निकल जाएगा। देखा एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी थे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, एक साथ में अपना संतों को लेकर गए भजन ये गाँव में प्रचार करने के लिए। तब बोले भैया गाँव में कोई स्थान है, लेकिन एक घर था जो भूत लोग रहते थे, वो घर में कोई नहीं रहते थे, वो भूत लोग का निवास उसको ही नहीं रहते थे। बोले बाबा लोग आए हैं, बोले उसी घर में उनको ठहरा दिया। बोले बाबा है यहाँ पर एक बढ़िया जगह है, आप इसी घर में आप यहाँ रह सकते हो। वो गांव के एक कोने में था, हाँ गाँव के बाहर थे। बोले बाबा यहीं पर रहो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर रहो, खाओ जो कुछ करना करो। अभी जब रात को सोने के लिए गए, लगने लगा तो भूत रहता था। जब सोने के लिए गए, इतने में जैसे घोड़ा का टापू का आवाज आती है ना, आवाज होने लगा जैसे घोड़े को पड़ी। इतने में वो छत था है जो टीन की, धमधम धमधम आवाज होने लग गई, बड़ा भयंकर। इतने में वो समझ गए भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज। बोले तो हमको तो भूत का घर में रखवा दिया है, ये घर में भूत रहते हैं। बोले उठो सब, सब उठो, मृदंग लो, करताल लो, बोले कीर्तन करो, जोर से कीर्तन करो। जब जोर से वहां पर प्रभु का कीर्तन किया ना, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया, जब कीर्तन की आवाज हुई, इतने में एक शब्द धड़ाम करके छत के ऊपर कृष्ण गिरा, गिर करके लास्ट में बोल कर बोले बाबा बड़े दिन से कि मैं प्रेतात्मा बन करके यहाँ पर था, अब लोगों का मुंह से ठाकुर का कीर्तन सुन करके, ठाकुर का नाम सुन करके मेरी उद्धार हो गई, अब लोग मेरे ऊपर बड़ी दया किया, मैं बड़े कष्ट पा रहा था प्रेत जन्म से, आज मेरी उद्धार हो गई, सबको प्रणाम करके भूत वहां से चला गया। दूसरे लोग सोच रहे थे बाबा लोग रात में कैसे बिताए बिताए, कैसे घर में तो भूत रहता था, जानते थे जान बूझ कर दिया। सब लोग आए, पता नहीं बाबा लोग क्या कर आकर देखे, बोले बाबा लोग सब ठीक ठाक, बोले सब ठीक ठाक गया। बोले रात को कुछ हुआ कि घर में, तब उन्होंने सारी बात बताया कैसे ऐसे हुआ है, लेकिन ये घर में जो प्रेत रहता था वो स्वयं बोल कर गया मेरी उद्धार हो गई है, आप लोगों ने मेरे को मुक्ति दिला दिया। इसलिए घर में जब ठाकुर का नाम कीर्तन भजन हो, घर में जितने अपवित्र उल्टा पुलटा ग्रह प्रभ होते ना, प्रभु का कीर्तन नाम से सबके सब घर से निकल जाते हैं, घर से घर पवित्र हो जाता है घर है। इसलिए आज हम लोग बड़े भाग्यवान, आज हम प्रभु श्री प्रभु जी घर में आए, कीर्तन हरिकथा हुई, और घर में जहाँ कीर्तन हो कहते सर्वाणि कीर्तानि बसन्ति तत्र यथा च्युतादर कथा प्रसन्न, जहाँ पर भगवान अच्युत का नाम कीर्तन हो, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर बैठ जाते। पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब, बोले 600 करोड़ पृथ्वी में तीर्थ है इतने। जिस घर में कीर्तन भगवान का नाम हो, कि घर में सारे तीर्थ आकर उस घर में निवास करते हैं। इसलिए आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है, अब आज इन लोगों ने बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाए, सवेरे भी बड़े सुंदर प्रसाद बनाए, ये 3 दिन से इनका नींद नहीं आ रही, प्रसाद क्या बनाए कुछ कुछ करके, सवेरे सवेरे क्या क्या बनाए, चिली पटाटो सवेरे पहुँचाती है, ये लोग रात भर सोई नहीं, रात भर बना लेते हैं। फिर दोपहर में भी बोले नहीं आज सारा दिन का प्रसाद हमारे, फिर दोपहर में बुला लिया, फिर बोले दोपहर में रात को भी हमारे प्रसाद बना पड़ेगा, रात में भी मंदिर में आकर के प्रसाद दे करके रात में आएंगे। इसलिए अभी थोड़ा कीर्तन कर लो, ठाकुर आरती कर लेंगे क्या, नहीं ठाकुर कीर्तन कर लो और प्रसाद के लिए जाओ, तैयारी करो, माता तैयार है ना, हरे कृष्ण, तुम थोड़ा कर कीर्तन कर लो। ये ना सेकेंडरी है गुरु जी, एक साथ में चलने का मतलब कम आवाज आएगी, दोनों चलते हैं लेकिन कम आवाज आएगी। हेलो हेलो, अभी बहुत जैसे बोलेंगे फिर इसकी कम हो जाएगी। अच्छा, एक सेकेंडरी मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, बाहर लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पान लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन करो करो
यमुना जीरो पानी लागे मन करो करो यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी Thank you.
बोले आज वीरज में होरी रे रसिया आज वीरज Bye.
बाहर बैठे, तीन लोग बाहर बैठे, प्रेम प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु, भगवान का कीर्तन में नाचना, देखो भगवान का कीर्तन में नाचना, साक्षात लाइव में हो जी, बड़ी सेवा करती है उनको बुरा जी।
राम बोलते हैं जहाँ जहाँ जाता हूँ गाड़ी फिर देती है। जब नमस्ते जाती है ना मंदिर मंदिर में प्रणाम चढ़ाती है। बोले साहब हमारे मंदिर से देती है मंदिर में ठाकुर जी को बड़े कृपा करके आशीर्वाद करते हैं। ठाकुर सबका चीज नहीं लेते हैं। कितना धनजो धनी को मेहमान से आएंगे साथ में ठाकुर जी धनी वस्तु लेते हैं तो भक्त है सबका चीज खाली ग्रहण करते हैं। समझो बड़ी कृपा है ठाकुर जी तुम्हारी सेवा ग्रहण करते हैं। राहुल सरस्वती तुम्हारे नाम बोलते हैं। रुक क्या रस्ते में कर रहा है।